आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना से आए हैं हम। ये ठेकेदारी व्यवस्था में जो कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम से काम करे सो सफाई कर्मचारी है, वो लोगों को टू पार्टी मास्टर्स पूरा होने के बाद परमानेंट करना पड़ता और उनके सोप लोगों को रेगुलराइज करना पड़ता। और ये डायरेक्ट परमानेंट एम्प्लॉयज से साथ ही साथ इक्वल वेजेस देना पड़ता, अगर नहीं दिए तो हम इंग्लिश में बोलो। इफ नॉट एप्लीकेबिलिटी एंड नॉट एनफोर्समेंट वी विल लॉन्च ए लार्ज एजिटेशन इन जंतर मंतर न्यू दिल्ली। आज हमारे राष्ट्रीय कॉर्पोरेट यूनियन की बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष चरण सिंह टाक साहब की नेतृत्व में आज हम सब ने यह डिसीजन लिया है कि मध्य प्रदेश सारे प्रदेश मिलके हमने ये डिसीजन लिया है कि 15 सूत्री मांगे हैं हमारी प्रधानमंत्री जी को सौंपने जा रहे हैं। और क्योंकि बहुत सालों से ये पीड़ा चली आ रही है कि हमारे सफाई कामगारों को कोई सुविधा नहीं दी जा रही, भर्ती भी बंद की जा रही है, इस कारण हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में ये डिसीजन लिया गया है कि अगर शीघ्र हमारी मांगों का निराकरण नहीं किया गया है तो जंतर मंतर पर हम आंदोलन अगर आंदोलन करेंगे उसके जवाबदार शासन जो है हमारी केंद्र सरकार रहेगी और उसमें किसी भी तरीके से कोई भी मांग नहीं मानते हैं तो हम पूरे प्रदेशों में अपनी सफाई व्यवस्था ही बंद करने के लिए बाध्य रहेंगे। आज हमारी कोर कमेटी की बैठक माननीय चरण सिंह टांग जी की जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके नेतृत्व में हुईगी और उसमें ये निर्णय लिया गया है कि यदि हमारी जो मांगे हैं जो ज्ञापन तैयार किया गया है उसमें वो मांगे नहीं मानी जाती हैं तो आने वाले फरवरी के टाइम में हम जो निर्णय लेने जा रहे हैं तारीख का उसमें हम यहाँ जंतर मंतर पर अपना एक बहुत बड़ा प्रदर्शन करेंगे और अगर उसके बाद भी हमारी समस्या का समाधान ना किया तो चरण सिंह टांग जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके नेतृत्व में हम जो आह्वान हुआ हमें करेंगे कि पूरे देश के अंदर झाड़ू को हम रख देंगे और ये आंदोलन हमारा ये एक तरफ जब मतलब सैनिक जो है वो जब हथियार डालता है तो वो आत्मसमर्पण पर होता है लेकिन जब सफाई मजदूर हथियार डालता है तो आंदोलन विशाल आंदोलन बनता है। हम ऐसा निर्णय लेंगे इसके लिए। इनको बोलने दो, फिर बाद में आप बोल। आज हमारी दिल्ली में अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस के हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की अध्यक्षता में माननीय चरण सिंह जी के नेतृत्व में 15 सूत्री मांग पत्र केंद्र सरकार को पेश करने का निर्णय लिया गया है जिसके अंदर बहुत सारी महत्वपूर्ण मांगें हैं और उन मांगों को समय रहते केंद्र सरकार हमारे भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी मांगों की क्रियाविनती नहीं करेंगे, निराकरण अगर नहीं करेंगे तो हिंदुस्तान का तमाम सफाई कर्मचारी दिल्ली के जंतर मंतर पे प्रत्येक प्रांत से कूच करेगा और आंदोलन शुरू करेगा, झाड़ू डाउन करेगा और फिर भी हमारी मांगों को नहीं माना गया। हमारी अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस के अध्यक्ष माननीय चरण सिंह जी के नेतृत्व में आज एक कोर कमेटी की मीटिंग हुई है और उसमें कई प्रस्ताव जो हैं वो उन पर विचार किया गया है। सच तो ये है कि बरसों से सफाई कर्मचारियों का शोषण ही होता आया है। ऐसी स्टेज पे आप जाके देख लो जो नगर निगम में नियम भी पास किए जाते हैं कुछ साल के बाद वो अधिकारियों के मिली भगत से वो भी रद्द कर दिए जाते हैं। स्टैंड करते हैं नियम ऑर्डर स्टैंड करते हैं लेकिन जो निम्न स्तर से लेकर के और उच्च अधिकारी तक हैं उनको भी उसको नज़रअंदाज कर देते हैं जो उन्होंने नियम पास किए। अभी मैं बताता हूँ, किसी भी आप सफाई कर्मचारी से पूछ लो कि आपका फंड कितना है, पीपीएफ नंबर उनको अलॉट है, जीपीएफ नंबर अलॉट है,
लेकिन उनको नहीं पता कि मेरा कितना फंड है, चाहे उसमें से कोई निकाल ले जाए। इसके अलावा ना उनके पास कोई वर्दी की पुस्तिका है जिसमें वो एंट्री करें कि हमने 2 साल में दी 3 साल में दी, वो भी इसी तरह से गोलमोल हो जाता है। जब ज़्यादा यूनियन जोर देती है तो 6 साल बाद एक बार वो लौट ला के दे दिया जाता है और उसको फिर से कंटिन्यू जो है बना दिया जाता है। तो इतना शोषण इस गरीब जनता का, इस गरीब वाल्मीकि कम्युनिटी का हो रहा है, जिसको यही नहीं पता तो ये तनख्वाह कितनी मिल रही है, उनको ये भी नहीं पता मेरे हाथ में कितनी तनख्वाह आई है। और ऐसे गूंगे बहरे मतलब जो है समाज का जो शोषण हो रहा है उसको मेरा ख्याल है भगवान भी वहाँ रिकॉर्ड कर रहा होगा। तो मेरा यही है, 18 साल की उम्र में कोई बच्चा आकर टेलीविजन लगा है और उसे आज 18 साल हो गए, 36 साल उसको काम कर उम्र चली गई उसकी, कब वो अपने बच्चों की शादी करेगा, कब वो अपना मकान बनाएगा, उसको 36 साल में भी पक्का नहीं किया गया तो फिर आगे जा कर के क्या करेंगे उसकी जनरेशन, उनके बच्चे क्या करेंगे। तो इन चीज़ों पर अगर समय पर वर्कर्स को, कोई भी वर्कर्स हो, समय पर उसको फैसिलिटी जो गवर्नमेंट ने एम्प्लाइज को दिए अगर उसको मिलती रहे तो शायद वो बच्चों पे भी ध्यान देगा, घर पे भी ध्यान देगा और उसका विकास भी होगा। अब विकास एक जगह आकर रुका हुआ है। कोर कमेटी की बैठक राष्ट्रीय अध्यक्ष चरण सिंह जी टांके उसमें हुई, उसमें हमने मुद्दे रखे और विशेष करके भारतीय संविधान ने सबको मौलिक अधिकार दिए हैं, उस मौलिक अधिकार को नज़रअंदाज करके सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का भी अवहेलना करते हुए हमारे लोगों से गंदगी काम कराया जा रहा है। और विशेष करके जो सीवरेज में कर्मचारियों को उतारा जा रहा है, जिनकी मौत आप देख रहे हैं कि देश भर में कई कर्मचारी मरे हैं, जिनको मुआवजा भी उचित रूप से नहीं दिया गया है। टांग साहब ने यहाँ प्रस्ताव भी रखा है कि ऐसे कर्मचारी की जब डेथ होती है तो उसको लगभग 50 लाख करोड़ के रूप में उसको क्षतिपूर्ति दी जाए, उसके परिवार को नौकरी दी जाए, उसके परिवार को मकान दिया जाए। आदरणीय चरण सिंह टांक हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस के, उनके नेतृत्व में आज पूरे देश के भिन्न भिन्न स्टेट से आए हुए हमारे जो कोर कमेटी के जो हमारे महानुभाव हैं उनके यहाँ बैठक का आयोजन किया गया है। और आदरणीय चरण सिंह टांक साहब ने ये सफाई कर्मचारियों की ही नहीं पूरे वाल्मीकि समाज की जो व्यवस्था है उन सभी चीज़ों पे भारत सरकार से और सारी सरकारों से, स्टेट वाइज सरकारों से मांग की है कि वाल्मीकि समाज के सार्वजनिक विकास के लिए आर्थिक स्थिति, शैक्षणिक और राजनीतिक, यही नहीं कि सफाई का काम ही हम जो इसको लेके बैठ जाएं वो बात ही नहीं है, पूरे देश में राजनीति में हिस्सेदारी और शैक्षणिक एजुकेशन जो है जो हमारी जो शिक्षा है उसके माध्यम से और रिक्वायरमेंट जो भर्ती है सफाई कर्मचारियों की भर्ती है, जो सबसे बड़ा मुद्दा रखा साहब ने कि आप बोल रहे थे कि हमारे जो आईएएस आईपीएस और इंजीनियर कैसे बनेंगे लोग, उसके लिए अलग से पैकेज की भारत सरकार से मांग की 10 करोड़ रुपए की अलग से पैकेज दिया जाए, आर्थिक राजनीतिक शैक्षणिक पूरी योग्यता के आधार पे 4 स्तर पे। आदरणीय हमारे चरण सिंह टांक साहब ने जो हमारी जो 4 स्तर हैं, राजनीतिक स्तर, शैक्षणिक स्तर और आर्थिक स्तर, सामाजिक स्तर को ऊँचा करने के लिए पूरे देश के कोर कमेटी के लोगों को बुलाया गया। अगर सरकार ने इसको इग्नोर किया, केंद्र सरकार ने या राज्य सरकारों ने अगर इसको इग्नोर किया तो एक बहुत बड़ा आंदोलन दिल्ली में जंतर मंतर पे लाखों की संख्या में होगा और इस काम को रोक भी दिया जा सकता है, यही हमारा आप लोगों से कहना है। मैं राजेश बेनीवाल, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस। आज दिल्ली के में जो बैठक हुई है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्रीमान चरण सिंह टांक जी के नेतृत्व में, उनकी अध्यक्षता में सभी प्रांतों से कोर कमेटी के मेंबर्स, सभी प्रदेशों के अध्यक्ष इस बैठक में शामिल हुए और बहुत से आज निर्णय लिए गए हैं। और निर्णय लेने के बाद अभी जैसा बताया कि जंतर मंतर पर एक उग्र आंदोलन करने का हमारा पूरा प्लान है, पूरे भारतवर्ष से लाखों की संख्या में सफाई कर्मचारी अपना आंदोलन करेंगे, क्योंकि पार्टी की विचारधाराएं अलग अलग हैं लेकिन राजनीतिक पार्टियों का एक विचारधारा जो मनुवादी विचारधारा है वो सभी पार्टियों की एक है, केवल दलितों के खिलाफ, खासकर सफाई मजदूर वर्ग के खिलाफ, वाल्मीकि समाज के खिलाफ ये सरकारें
कभी भी हमारे विकास के लिए कोई ऐसा काम नहीं किया। और विकास की बात करते हैं, जब वोट का समय आता है तो ये हमारे समाज की उस वोट को लेने के लिए और सरकार बनाने के लिए इस तरह के पाखंड करते हैं और उस पाखंड के माध्यम से हमें झूठा आश्वासन देकर अपनी सरकारें बना लेते हैं। दिल्ली के अंदर ही जो दिल्ली सरकार बनी केजरीवाल जी की, वो पूर्णतः दिल्ली के वाल्मीकि समाज ने इस सरकार को बनाया और उन्होंने हमें झूठे आश्वासन दिए। उन्होंने कहा कॉन्ट्रैक्ट बेस ख़त्म करेंगे, उन्होंने कहा कि भर्तियां करेंगे, उन्होंने कहा मेडिकल कार्ड देंगे, लेकिन एक भी बार इस पर कोई विचार उन्होंने आज तक नहीं करा। आज 6 साल की सरकार हो गई है, पिछले टर्म में भी कोई बात नहीं करी और अब भी नहीं करी। हम बात जहाँ तक करें, 40 करोड़ का जो सीवरेज सफाई की मशीनें लाई जा रही हैं उसमें 40 करोड़ का टर्नओवर मांगा है, जिनको वो मशीनें दी जाएगी। मैं जानना चाहता हूं कि 40 करोड़ रुपए का टर्नओवर कैसे एक सफाई कर्मचारी का हो सकता है, जबकि संवैधानिक तौर पर नियम के अनुसार ये तय किया गया था कि जो मैला ढोने वाले, जो सीवर में काम करने वाले या सफाई का काम करने वाले, उन्हीं को वो मशीनें दी जाएंगी। लेकिन एक तरफ इस तरह की बात करते हैं कि उन्हें तसल्ली देने के लिए और वाहवाही लूटने के लिए ऐसी बातें की जाती है, और दूसरी तरफ अगर जाकर देखें तो उनके कागज और नियमों में बड़े बड़े सरमायादारों को वो ठेकेदार योजना बनाई जाती है। 40 करोड़ रुपए का टर्नओवर किसी भी सफाई कर्मचारी का नहीं हो सकता। इसको लेकर हम उनका पूर्णतः विरोध करते हैं और दिल्ली में भी अब की बार ऐसी झूठी सरकारों को हम कहीं ना कहीं धूल चटाएंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि कोई भी सरकार हो, कोई भी पार्टी हो, अगर वो हमारे मजदूरों की, हमारे सफाई कर्मचारी वर्ग और वाल्मीकि समाज की इन बातों पर ध्यान नहीं देंगे तो हम पहले तो एक बार चेतावनी के तौर पर अपने दिल्ली के जंतर मंतर पर लाखों की संख्या में हम एक चेतावनी देना चाहते हैं आंदोलन करके। उसके बाद हम काम बंद हड़ताल भी करेंगे और ज़रूरत पड़ी तो जेल भरो आंदोलन की तैयारी भी हम करेंगे। आज हमने कुछ प्रस्ताव, कुछ प्रस्तावों के ऊपर हमने चर्चा की है जो हमने आपके सामने पेश किए हैं, और अब आज कल हम सरकार को एक नोटिस देने वाले हैं प्राइम मिनिस्टर जी को, और एक महीने की तैयारी करके हम पूरे देश के सफाई मजदूरों का एक बड़ा प्रदर्शन, बड़ी रैली जंतर मंतर के ऊपर हमने करने वाले हैं, और आवश्यकता पड़ती है तो हम झाड़ू बंद आंदोलन भी इस देश के अंदर करेंगे।